आज हम बात करने वाले हैं BMM डेट इज बैचलर ऑफ मास मीडिया। इस कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस कोर्स के करने के बाद आपका स्कोप या करियर क्या होने वाला है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड टुडे वी गोना आल्सो डिस्कस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस अंडर द जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं विष्णु कांसिंग स्वागत करता हूँ आप सबका एडमिशन मीडिया में। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आज हम बात करने वाले हैं BMM की। BMM मतलब बैचलर ऑफ मास मीडिया। मेनली ये कोर्स आपका अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आता है, जिसको मेनली 12th के बाद किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इस कोर्स के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। मतलब कि अगर आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैथ्स है, इवन इफ यू आर हैविंग बायो एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन मास मीडिया, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, जैसे तमाम ब्रांचेस में अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स कोई 80%, 50%, 90%, इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 12th में 90% भी होल्ड किया है और उसके बाद वो BMM कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर इसके अंदर जनरल, इसके अंदर अगर स्कोप है तभी तो वो बच्चे कर रहे हैं। तो दिस कोर्स मेनली फोकस ऑन द मीडिया ग्रुप, डेट इज आपके जितने भी एडवर्टीजमेंट और बाकी चीजें होती हैं, ये कोर्स आपको उन्हीं चीजों में ऑफर करता है। हर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की तरह ये कोर्स भी आपका 3 ईयर्स का होता है, डेट इज टोटल 6 semesters में डिवाइड होते हैं। अगर मैं सेमेस्टर 1 के अंदर बात करूँ तो आपका मेनली इंट्रोडक्शन होता है इकोनॉमिक्स और मास कम्युनिकेशन के ऊपर ही रहता है। सेमेस्टर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे फोकस रहता है। सेमेस्टर 3 आपका कल्चरल स्टडीज पे होता है। सेमेस्टर 4 आपको जर्नलिज्म से इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि व्हाट इज जर्नलिज्म। और अगर मैं सेमेस्टर 5 की बात करूं तो दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेमेस्टर 5 अगेन ऑन द जर्नलिज्म, जिसमें आपको एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसे तमाम चीजों पे फोकस की जाती है और आपको उन चीजों से रूबरू कराया जाता है। एंड द सेमेस्टर 6 इज अगेन ऑन जर्नलिज्म, जिसमें आपको ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट इश्यूज एंड ग्लोबल मीडिया से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। अब बात करें जॉब प्रोफाइल की, आई मीन जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या मिलने वाली है आफ्टर डूइंग योर BMM। तो इसमें कुछ ढेर भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो मैं उस लिस्ट में सारा तमाम नहीं ले सकते यहाँ पे, बट हाँ उसमें से कुछ मेन है, जैसे आपके डायरेक्टर, साउंड इंजीनियर, इवेंट मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, कॉलमनिस्ट, कंटेंट राइटर, न्यूज एंकरिंग, फोटोग्राफिंग प्रोफेसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोर्सेज। इसके अंदर आपको BMM करने के बाद इन फील्ड में खुद को एक्सप्लोर करने का एक बहुत बड़ा और एक सुनहरा मौका मिलेगा। और अगर अब मैं बात करूँ जय हिंद कॉलेज मुंबई में, जो कि है आपका, ये है मेनली आपका साउथ मुंबई, डेट इज द हार्ट ऑफ मुंबई। तो अगर आप अपना BMM जय हिंद से करते तो पहले जय हिंद के मैं एलुमनाइज का नाम ले लूंगा। तो इनके एलुमनाइज रहे हैं ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, जॉन अब्राहम जैसे तमाम हस्तियां, जानी मानी हस्तियां, अपनी डिग्री उन्होंने जय हिंद से ही की है। तो अगर आप अपने करियर को एनहांस करने के लिए BMM में जाने का सोच रहे हो तो जय हिंद कॉलेज कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और इस केस में अगर आपको आपके एडमिशन से रिलेटेड या किसी चीज में एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप हमारी टीम से नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मे बी वी कैन हेल्प यू आउट इन दिस प्रोसेस। और अगर मैं बात करूं जय हिंद कॉलेज की, तो जय हिंद एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, लेकिन ये जो डिग्री देते हैं वो मेनली इनका मुंबई यूनिवर्सिटी के ही होता है। इनका अफिलिएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से, बट दे गवर्न इट एज देयर ऑन ऑटोनॉमस बॉडी, जिसकी वजह से बहुत अच्छा हो जाता है कि हर कॉलेज में आप देखोगे BMM में तो 70-25 का परसेंटेज रहता है, दैट इज 75 इज योर एक्सटर्नल एंड 25 इज योर इंटरनल। लेकिन जय हिंद इज द कॉलेज जहां पे ये रेशियो 70-25 नहीं बल्कि 60-40 को उन्होंने मेंटेन किया है। क्योंकि अभी मैंने जब आपको सेमेस्टर की जब मैंने आपसे बात की थी, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कॉलेज के अंदर करते हो, तो आपको अगर 25 मार्क्स ही आपको इंटरनल बेसिस पे मिलेंगे तो आप समझ सकते हो आपका परसेंटाइल या आपका जो ओवरऑल परसेंटेज रहेगा वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो सकता है। बट अगर आपके इन सर एक्टिविटीज पे अगर आपको मार्किंग मिलेगी
और वो भी 40 के बेसिस पे होगा, तो आप समझ सकते हो कि 40 मार्क्स का इंटरनल इज अ बिग थिंग फॉर यू। और अगर मैं बात करूं यहाँ के फेस्ट की, तो इस वीडियो के अंत में भी मैं आपको BMM जैन कॉलेज के अंदर जो इनका BMM का फेस्ट होता है उसकी कुछ वीडियोस मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आती है ना, वो आती है फीस की। अगर मैं जैन कॉलेज के अंदर फीस की बात करूँ, तो आपको जो फर्स्ट ईयर में रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 के अप्रोक्सीमेट रहता है। सेकेंड ईयर की जो फीस रहती है वो अगेन 19 to 22, 23 के अप्रोक्सीमेट रहता है। एंड द थर्ड ईयर इज समवेयर अराउंड 18 to 20। तो अगर आप ओवरऑल मैं बोलूं आपको एक पॉइंट में कंक्लूड करूं इसे, तो आपकी जो BMM की फीस रहेगी जैन के अंदर वो मैक्स टू मैक्स 25,000 के अंदर ही रहने वाली है पर ईयर, तो विच इज अ वेरी बिग डील। हाँ, अगर मैं इस कॉलेज के डीमेरिट की बात करूं, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ डीमेरिट, बट हाँ काफी सारे स्टूडेंट्स से जब मैंने बात की तो दे वर कंप्लेनिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे लिए लोकलाइट्स के लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग वाले होते हैं, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम, बट या सम स्टूडेंट्स कंप्लेन मी अबाउट इट, तो उन चीजों को मैं भी आपको इस वीडियो में कंक्लूड कर दे रहा हूँ। अगर आप एक BMM के लिए ओवरऑल मैं अगर इस पॉइंट पे कंक्लूजन के लिए आपसे बात करूँ, अगर आप BMM के लिए अपना करियर देख रहे हो तो जय हिंद कॉलेज कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको आपके एडमिशन प्रोसेस में कोई भी इशू आ रहा है, आपको फॉर्म फिल करने में या वहाँ की एलिजिबिलिटी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आपको इस कॉलेज या किसी और कॉलेज के ऊपर भी मेरी वीडियोस चाहिए जिस पर मैं अभी बनाने वाला हूँ, साथ में अगर आप कोई और कॉलेज का रिव्यू जानना चाहते हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और बाकी चीजें कैसी है, तो यू कैन कमेंट इट डाउन एज वेल एज यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.